अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, और जो सबसे मोस्ट फेवरेट है बच्चों की, और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और लेस इंग्रेडिएंट से बना ये क्रीमी सा पास्ता, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई में पानी बॉयल होने के रख दिया, और साथ में हमने शामिल कर दिया 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर दिया, और इसको अच्छे से बॉयल कर लिया। मैं यहाँ बना रही हूँ 2 पैकेट पास्ता, तो मैंने यहाँ पास्ता को पानी में डाल दिया, और इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। मेक श्योर कि आपने इसको ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना, बस जस्ट 2 से 3 मिनट तक बॉयल करना है, देन हम इसका मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम बॉयल वाटर में शामिल कर लेंगे 1 से 2 टीस्पून घी के। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, इससे ये होगा कि हमारी जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपकेगी नहीं, और इसका हर दाना खिला खिला बनेगा। देन हम इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे छान लेंगे। देन हम मैक्रोनी में जो मसाला ऐड करेंगे वो प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमने हाफ बॉयल ऑयल लिया है, इसके साथ हमने शामिल कर दिया 1 अदद बड़ी प्याज। प्याज को हमने ओवर कुक नहीं करना, ना ही इसको ब्राउन करना है, ना ही इसको पिंक करना है, जस्ट लाइट सा इसको सॉफ्ट होने देना है। देन इसमें हम जो अपने बाकी इंग्रीडियंट्स हैं वो शामिल कर लेंगे। अच्छा, तो प्याज हमारा सॉटे हो चुका है, इसमें हम अब चिकन शामिल करेंगे। चिकन बोनलेस चिकन और चिकन लीवर लिया है, देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। या प्याज को ब्राउन ना करने की वजह यह है कि हमने जो चिकन शामिल कर लिया है वो भी अब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, और जो हमारी प्याज है वो भी इसके साथ ब्राउन हो जाएगी। मैंने इसमें ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह शामिल नहीं करनी, क्योंकि ये जस्ट मैं खाने के लिए बना रही थी बच्चों के लिए। तो इसमें मैं पोटैटो शामिल कर लूँगी, 1 बड़ा पोटैटो लिया है, इसके स्लाइस बना लिए। स्लाइस में कट करके मैंने इसको चिकन में शामिल कर दिया है, और इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इनको कुछ देर के लिए मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि पोटैटो और चिकन दोनों ही पकने में टाइम लेते हैं। देन इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, और इसको कुछ देर के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पे गार्लिक और जिंजर पाउडर लिया है मैंने, और साथ में सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे चिकन और वेजीज़ में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इसको कवर कर देंगे, और इसको सॉफ्ट होने के लिए हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद हमारा जो चिकन था वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका था, और इस पर बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। साथ ही हमारी जो अनियन थी वो भी फ्राई हो चुकी थी। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने 2 से 3 टमाटर बड़ी बड़ी काट के इसमें शामिल कर दिया, और साथ में मसाले शामिल करेंगे। टीका पाउडर हमने 2 टीस्पून, साथ में काली मिर्च पाउडर और रेड चिली शामिल की, और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसको कवर करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए, और हमारा जो मैक्रोनी का मसाला है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हमने जब चेक किया तो हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, और जो हमारा मसाला था वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका था, और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन चुकी थी। देन हम इसमें शामिल कर लेंगे फ्रेश कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 बड़ा बॉल मैंने इसमें कोरिएंडर का शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसमें कैरेट्स एंड कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। देन मैं इसमें जस्ट लाइट सी वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ। बस इसको 2 से 3 मिनट दम लगाएंगे, और इसमें हम जो अपनी मैक्रोनी बॉयल की हुई है वो शामिल कर लेंगे। हमारा जो मैक्रोनी का मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है, हमने इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे बॉयल मैक्रोनी, जो हमने स्टार्ट में बॉयल करके रखी थी। यहाँ पे हमारे पास बॉयल मैक्रोनी है, इसको शामिल करेंगे एंड देन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपनी मैक्रोनी और इसके मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो टेस्ट है वो हमारी मैक्रोनी में शामिल हो जाए। देन हम इसको 2 से 3 मिनट तक दम लगाएंगे, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट हमारी मैक्रोनी में आ जाए। आपने इसको ज़्यादा दम नहीं लगाना, क्योंकि हमारी मैक्रोनी ऑलरेडी कुक्ड है। हमने इसको कवर कर लिया, अब आपसे मिलते हैं हम 2 से 4 मिनट के बाद। 2 से 4 मिनट गुजरने के बाद हमारी जो मैक्रोनी है वो फुल कुक हो चुकी है,
और इस पर बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आती है। और आप अफ्तार में बनाइए इसको, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ मायोनीज़। आप यहाँ चाहें तो क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी मायोनीज़ को क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये है कि ये हमारा लास्ट स्टेज है, इसको हम सर्व करेंगे। आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।